नाज़रीन कराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर होने वाली पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पूरे एशिया की सबसे बड़ी नशरियात, जी हां, अहले ज़ौक के लिए इल्मी, फिक्री और इश्को मोहब्बत से भरपूर नशरियात रहमत रमज़ान। वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट, बच्चों तैयार हैं? रहमत रमजान बच्चों के साथ, बच्चों के साथ। दरवाजा लॉक है। तो अगर आपको दरवाजा खोल के कहा जाए कि आप बिल्ली की खिदमत करो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले खतरनाक हर बंदा परेशान नजर आता है और वो चाहता है कि परेशानी का हल मिल जाए। की बरकत से उसके जो मसले हैं परेशानियां होती हैं। उनका महबूब अमल, इसको आयतल कुर्सी कहते हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे सेगमेंट रहमत रमजान 24 आवर्स चैलेंज का, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब दुनिया की इधर की उधर हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो रहा हो या करोड़ों का फायदा हो रहा हो, अपने को झूठ नहीं बोलना। इंशाल्लाह नियत कर ले और 24 आवर्स चैलेंज आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, अगले 24 घंटे तक आपने फोकस करना है कि भाई हमने झूठ से बचना है। रहमत रमजान सना खानों के साथ। कोई मुंह ना लगाता था हमको, ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से, मुझसे पहले जा रहा है। रहमत रमजान सोशल वेलफेयर के साथ। अच्छा, इस वक्त अगर हम मौजूदा दौर की बात करते हैं तो लोग एक बहुत फास्ट पेस लाइफ से गुजर रहे हैं जी। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट फैजान ऑनलाइन एकेडमी सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से, के जिसे सदर पाकिस्तान ने मिनी वेलफेयर स्टेट का लकब दिया। रहमत रमजान उलमाए कराम के साथ। फ़ायदा मंद पहलू जो हैं उनकी उनका इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कम है, नुकसान का पहलू ज़्यादा है। शरीयत मुतहरा जिसे लोग भागते हैं, हमारी शरीयत तो तमाम शराए इस्लामिया में सबसे आसान है। यानी जो फजर और ईशा पढ़े अल्लाह ताला पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है रहमत रमजान रोज़ा कुशाई के साथ। हाँ बेटा, आपने माशाल्लाह आज रोजा रखा है, आपकी रोजा कुशाई हो रही है, तो आज का रोजा आपका कैसा गुजरा? मैंने तस्बीह पढ़ी और अम्मी के साथ काम में हाथ दौर पड़ी, असर पड़ी ना, पड़ी होंगी आप तो माशाल्लाह। जाहिर बात है कि जिस बच्चे को रोजा रखने का शऊर मिल जाए तो वो फिर नमाज भी जानता है कि भाई नमाज भी पढ़नी है मैंने, है ना। हमारे नामा अमल में कोई इनकी ऐसी नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करने के काबिल हो अल्लाह। बस हमें भरोसा तेरी रहमत पर है, तेरे फजल पर है, तेरे करम पर है। ऐ अल्लाह तूने अपना फजल फरमाया तो हम बख्शे जाएंगे। अल्लाह